हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है देखिए हमने कई बार देखा है कि माननीय ए या माननीय कोई भी कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो उसकी कुछ एक ऑथेंटिसिटी होती है उसकी कुछ एक गरिमा होती है लेकिन ए के जजमेंट्स के कई बार दिए जाने पर भी यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमल नहीं हो पाता है तो इसको चलते यहाँ पर ए ने कोर्ट में बुलाया है समन किया है फाइनेंशियल एडवाइज़र जो रक्षा मंत्रालय के हैं कि यानी उनकी तरफ से कुछ ऐसी खामियां हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपना कार्य सर से नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर उनको समन किया गया है ए कोर्ट में तो देखिए आज हम हेडलाइन देखेंगे कटिंग देखेंगे उस न्यूज़पेपर की जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर एम फाइनेंशियल एडवाइज़र अंडर ए एफ लेंस फॉर डिले इन एक्शन ऑन जजमेंट्स इन चंडीगढ़ एफरी ने कहा है कि हमारे निर्णयों के बाद भी नहीं हो रहा है अमल तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो यह है देखिए वो कटिंग एमओडी फाइनेंशियल एडवाइजर अंडर एफटी लेंस फॉर डिले इन एक्शन ऑन जजमेंट्स। तो देखिए यहां पर जो बोला गया है अननेसेसरीली इंपेंडिंग फाइनेंशियल स टू बेनिफिट ग्रांटेड टू द मिलिट्री विडोज डिसेबल्ड वेटर एज वेल एज विलफुल डिसबीडियंस क्योंकि यहां पर बोला गया है यानी जान बुझ के अवहेलना करना हमारी बात ना मानना हैज ग्रोथ टू द प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर पीफा पी आई एफ ए पोस्टेड इन द एम ओ डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं पी आई एफ ए उनके बारे में यहाँ बोला गया है अंडर द जुडिशल स्कैनर ऑफ वेरियस बेंचेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बहुत सारी बेंचेस के यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कैनर में हैं उनके रिव्यू के स्कैनर में हैं देर आर सेवरल केसेस पेंडिंग बिफोर डिफरेंट बेंचेस ऑफ एफ टी वेयर द ट्रिब्यूनल हैव रिप्रीमेंडेड द पी आई एफ ए जहाँ पर यहाँ पर कह सकते हैं कि पी आई एफ ए के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला गया है उनको रिकमेंड किया है द ऑफिस ऑफ पीफा रिप्रेजेंट डिफेंस फाइनेंस टू एडवाइज द मिलिट्री ऑन फाइनेंशियल मैटर्स यानी रक्षा मंत्रालय को फाइनेंशियल मैटर्स पर एडवाइज करने के लिए यहां पर नियुक्ति होती है पीफा की दे आर द वन हु सिट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर पासड बाय द वेरियस कोर्ट्स इंक्लूडिंग द ए एफ टीज ऑन बेनिफिट टू मिलिट्री वेटरंस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिशरीज यानी जो वेटर्न्स हैं और जो भी अदर मिलिट्री के वेटर्न्स बेनिफिशरीज हैं उनके जो भी इंप्लीमेंट करना होता है कोर्ट्स के ऑर्डर को ए एफ के ऑर्डर्स को तो वो देखिए इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं कि एक तरह से एजेंसी है पीफा इज हेडेड बाई ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस एंड अकाउंट्स सर्विसेज आई यानी आई की तरफ जो हैड होते हैं वो उसको हैड करते हैं पीफा को इन रिसेंट केसेस रिलेटेड टू ए नाइनटी ईयर ओल्ड वेटरंस यानी नब्बे साल के एक बुजुर्ग वैटरन हैं जो पेंशनर हैं द चंडीगढ़ बैंक ऑफ ए एफ टी हैज रिकॉर्डेड हाईली ऑब्जर्वेशन कंडक्ट ऑफ उफ द ऑफिसर इन द ऑफिस ऑफ उफ पीफा फॉर मिसलीडिंग द ट्रिब्यूनल उन्होंने पीफा के उस ऑफिसर पर ट्रिब्यूनल को मिसलीड करने का आरोप यहाँ पर लगाया है वाइल्ड ड्रॉपिंग इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पीफा ऑफिस ड्रॉपिंग इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पीपा ऑफिस डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस धर्मचंद्र चौधरी एंड जुडिशियर मेंबर एंड अगर हम देखें यहाँ पर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द एफ टी चंडीगढ़ ऑब्जर्व उन्होंने देख, क्या ऑब्जर्व किया वी होप दैट द पीफा शैल इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग हमें उम्मीद है कि पीफा जो है अपना काम करने का तरीका है उसको बदलेगा उसमें सुधार करेगा द ए एफ टी ऑल्सो डायरेक्टेड द रजिस्ट्री टू कन्वे द ऑर्डर टू द ऑफिस ऑफ पीफा फॉर फर्दर गाइडेंस ए एफ टी ने देखिए अपनी रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि आप हमारा जो ऑर्डर है पीफा के ऑफिस को गाइड करें बताएं उनको कन्वे करें ताकि फॉर द फ्यूचर गाइडेंस ताकि आगे से ये कमियाँ ना हो ये गलतियाँ ना हो इवन द लखनऊ बेंच वाइल हियरिंग इन मैटर इन विच डिस्पाइट मोर देन टू ईयर्स देखिए यहां पर लखनऊ बेंच जो है EFT की उसने भी एक मैटर में देखा कि उनके जजमेंट के दो साल बाद भी द दर्डर वॉज ऑर्डर का कह सकते हैं कि नहीं किया गया उस ऑर्डर को लागू नहीं किया गया ऑब्जर्व दैट द एक्ट ऑफ नॉट इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर बाई क्वेश्चनिंग इट्स लीगलिटी आफ्टर ए लैप्स ऑफ टू ईर्स देखिए उस क्या वजह थी क्या रीजन था कि दो साल तक यहां पर जो है उसको लागू नहीं किया गया इज नथिंग बट ए विलफुल डिसोबिडेंस ऑफ द ऑर्डर बाकी कुछ नहीं है केवल कह सकते हैं कि विलफुल जान बूझ के आज्ञा की अवहेलना करना है वी थिंक इट प्रॉपर टू इश्यू नोटिस टू द पीफे तो हमें लगा कि ये प्रेफर होगा अच्छा रहेगा प्रॉपर रहेगा कि हम पीफा को जो है नोटिस इशू करें तो आर्मी हेडक्वार्टर्स न्यू डेली टू अपीयर इन पर्सन इन दिस ट्रिब्यूनल ऑन द नेक्स्ट डेट जो 22 मार्च तेईस थी यानी देखिए उन्होंने बोला उसमें कि बाईस मार्च दो को आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ पीफा जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वहां पर वो इन पर्सन आके हमें बताएं टू फाइल रिप्लाई एज टू वाई कंटेप्ट प्रोसीडिंग्स बी नॉट इनिशिएटेड अगेंस्ट हर देखिए वो एक लेडी हैं जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर जो आईडीएस से हैं पीफा की हेड हैं तो क्या उन्होंने उनसे क्या बोला है कि देखिए हम उनके खिलाफ क्यों ना करें कौन सी अवमानना का कोर्ट जो है केस जो है क्यों ना दाखिल करें वो यहां पे आके हाँ हमें लिखित रिप्लाई दें ऑब्जर्व एफ टू एफ टी लखनऊ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव जुडिशियल मेंबर एंड मेजर जनरल संजय सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर देखिए यहां पर द ए एफ टी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एपरटली पीफाई सिटिंग ओवर द ऑर्डर पास बाई द ट्रिब्यूनल एज ए कोर्ट ऑफ अपील एंड एनालिस द मेरिट ऑफ दर बाई एक्सरसाइजिंग ए जूरिडिशन वेस्टेड इन कोर्ट ऑफ अपील देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की गई है कि ए एफ टी ऑब्जर्व करता है कि पीफा एक तरह से क्या है एक अपीलेंट ऑथरिटी की तरह वहां पर उन फाइल के ऊपर उन जजमेंट के ऊपर बैठ गया है जो यहां पर कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किए हैं दिस एक्ट ऑफ पीफा कम्स विद द परव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉन्टेप्ट इट ऑब्जर्व तो उनको लगता है कि ये जो है फीफा का कृत्य है जो काम है ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर आता है मीन वाइल सोर्सिस कन्फर्म डेट हंड्रेड ऑफ फाइल्स प्रोसीडिंग्स बाई द आर्मी हेडक्वार्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए एफ टी ऑर्डर विच आर कवर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स एंड बाई इंस्ट्रक्शन इशुड बाई द एम ओ डी के फैसले जो है उनको भी लागू ना करने के पीछे उसमें बहुत सारे ऐसे डाले है, गए हैं अल्टीमेटली लीडिंग टू एम्ब्रेसमेंट टू द एमओडी एंड द आर्मी इन कोर्ट जिसकी वजह से एमओडी और आर्मी को कोर्ट में जो है एम्ब्रेस होना पड़ता है विच है फॉर विलफुल स और देखिए उनके खिलाफ नॉन कंप्लायस लागू ना करने का भी एक नोटिस जो है जारी किया जाता है एन ऑफिशर डीलिंग विद द सब्जेक्ट स्टेटेड इट वॉज द वीकनेस ऑफ द एम ओ डी ये एम ओ डी की एक तरह से वीकनेस बताई गई एंड आर्मी इज नोट पुशिंग द फाइल्स सिंस द आर्मी हेडक्वार्टर इज कंपिटेंट फाइनेंशियल ऑथॉरिटी देखिए आर्मी हेडक्वार्टर जो है सी एफ ए है कंपेटेंट फाइनेंशियल है फिर भी अगर वो फाइल क्लियर नहीं कर पा रहा है तो देखिए एक तरह से ये उसकी weakness है, Which can overrule the FIFA, जो पीफा को भी overrule कर सकता है Who is only an advisor, जो केवल एक तरह से कह सकते हैं कि हम केवल एडवाइजर है सलाहकार है मानना ना ना मानना सी एफ ए के अंतर्गत है द ऑफिसर ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट पीफा वॉज अंडर द रोंग इंप्रेशन दैट इट्स इंटरप्रेटेशन ऑफ पॉलिसी कैन ओवर कोर्ट ऑर्डर्स देर फाई अंडर माइनिंग जुडिशल ऑथोरिटी देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि देखिए ये पीफा की तरफ से क्या गलत इंप्रेशन है कि उसको क्या लगता है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं वो उनको ओवर कर सकता है इंटरप्रेट कर सकता है और ये जो बात है देखिए ये कोर्ट में पूरी तरह से कह सकते हैं कि अच्छी नहीं लगी और उनके खिलाफ जो है अवमानना का केस करके रिप्लाई देने को बोला गया कि जो 24 22 मार्च को देखिए बाईस मार्च हालांकि अभी जा चुकी है लेकिन जो उसमें हुआ होगा अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है इसके बारे में लेकिन उन्होंने बोला कि आप जो है वहाँ पर लिखित रिप्लाई दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं किस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए एक बहुत बड़ी बात है एक बहुत बड़ा अपडेट है इसमें आगे जैसे भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको इसमें अपडेट करता रहूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत